टैटू करवाना आज के टाइम का फैशन बन चुका है, एक ऐसा फैशन ट्रेंड जो हर कोई फॉलो करना चाहता है। लेकिन बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि टैटू करवाने के बाद आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में कि इस बात में कितनी सच्चाई है और ये बात कितनी सही है। आज के दौर में टैटू बनवाना ट्रेंड बन चुका है, एक ऐसा फैशन बन चुका है जिसे हर कोई फॉलो करना चाहता है। इस रेस में हर कोई एक दूसरे को पछाड़ने में लगा हुआ है। कोई अपनी फेवरेट स्टार की तस्वीर बनवा रहा है तो कोई अपने फेवरेट भगवान की तस्वीर बनाता है। अब जो लोग टैटू बनवाते हैं उनके मन में एक सवाल बहुत घूमता है, वो ये है कि टैटू बनवाने के बाद ब्लड डोनेट कर सकते हैं। तो WHO के मुताबिक आप टैटू बनवाने के बाद 6 महीने तक ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं। इसके पीछे क्या वजह है, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये है कि निडल दोबारा यूज होती है जिससे ब्लड ट्रांसमिटेड डिजीज के ट्रांसफर होने का खतरा बढ़ जाता है। टैटू के लिए इस्तेमाल की जाने वाली इंक भी बदलती नहीं है। इसके कारण HIV और हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे लोगों को तुरंत ब्लड डोनेट करने से बचना चाहिए। फिलहाल टैटू बनवाने के लिए किसी तरह के रूल्स कानून तो नहीं है, कोई भी आसानी से कभी भी टैटू बनवा सकता है। अभी तक किसी को भी टैटू बनवाने की पूरी इजाजत है, इसीलिए बीमारियों का खतरा बना रहता है। यही वजह है कि टैटू बनवाने वाले को अच्छे टैटू पार्लर से टैटू बनवाने की सलाह दी जाती है ताकि हाइजीन का ख्याल पूरी तरह से रखा जा सके। टैटू बनवाने के बाद आपको ब्लड टेस्ट करवाकर ही ब्लड डोनेट करवाना चाहिए। इसके लिए आपको कम से कम 6 महीने तक वेट करना पड़ता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या पियर्सिंग के बाद भी ब्लड डोनेट करना मना होता है? जिस तरह से टैटू बनवाने के बाद काफी टाइम तक ब्लड डोनेट नहीं किया जाता है, वैसे ही पियर्सिंग यानी के कान या नाक छिदवाना, इसके बाद भी ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ भी सब यही बातें लागू होती है। यहाँ पर लेकिन आपको 1 हफ्ता रुकना होता है क्योंकि पियर्सिंग आपके ब्लड स्ट्रीम पर असर डालती है। 1 हफ्ता रुकना चाहिए क्योंकि अगर आपको इसकी वजह से कोई भी इन्फेक्शन या सूजन होती है तो इसका असर शरीर पर दिख जाएगा। WHO की एक रिपोर्ट ये भी कहती है कि अगर किसी ने बॉडी पियर्सिंग किसी हेल्थ प्रोफेशनल से करवाई है और इससे होने वाली सूजन तुरंत ठीक भी हो गई है तो पियर्सिंग करवाने के बाद करीब 12 घंटे के बाद भी आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। इसलिए अगर आप ब्लड डोनेट करना चाहते हैं तो इन बातों का खास ख्याल रखें। इसके अलावा शरीर में कोई भी छोटी मोटी सर्जरी हुई है तो ऐसी स्थिति में आपको ब्लड डोनेट करने से वेट करना चाहिए। इसके साथ ही जब आप टैटू बनवाने जा रहे हैं तो आपको किन खास बातों का ख्याल रखना है वो है ये। जब भी आप टैटू बनवाने जाएं तो इस बात पर जरूर ध्यान दें कि नीडल पैकेट आपके सामने ही खोले, इंक कप भी नया हो, साथ ही आर्टिस्ट ग्लव्स पहने हो। महिलाएं इस बात पर ध्यान दें कि जख्म के समय वैक्सिंग ना करवाएं, इससे दूर ही रहें। जब तक आपका जख्म सूख ना जाए तब तक वैक्सिंग से दूर ही रहें, यही बेहतर होगा। अगर टैटू बनवाने के काफी टाइम बाद भी टैटू ड्राई और फूला हुआ रहे तो डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। हो सकता है कि जख्म पूरी तरह से भरा ना हो और स्किन को नुकसान पहुंचा रहा हो। तो दोस्तों हमारे आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद जरूर आया होगा। हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।